हेलो बच्चों, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नीट 2024 में टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मियोसिस टॉपिक से थे। बहुत मजेदार है। एनसीईआरटी की लाइंस को ट्रिक के साथ मजेदार फनी तरीके से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो भाई, जब टॉपिक आता है मियोसिस तो 2 टर्म का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वन इज हैप्लॉइड एंड दी अनदर टर्म इज डिप्लॉइड। इसको ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो भाई, तुम ह्यूमन हो ना, तुम्हारे पास क्रोमोजोम है। कितने क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम है। अगर मैं इसको पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? 23 पेयर। बेटा जी, हर इंसान की एक मम्मी होती, एक पापा होते। तो लो जी, एक मम्मी बना दी मैंने, एक पापा बना दिए। मम्मी भी टोटल बच्चे को 23 क्रोमोजोम देती है और पापा भी 23 क्रोमोजोम देते। पर यार मजेदार बात सुनो, अगर मैं मम्मी हूं तो मेरी बॉडी की हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है? 46। पर स्पेशली मेरी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो कि क्या है? ओवरी, जहां पे गैमेट नाम की एक अलग सेल बनती है और वो गैमेट एक स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन से बनती है, दैट इज मियोसिस। ठीक, मम्मी जो होती है वो क्या बनाती है? ओवा। और पापा जी क्या बनाते हैं? स्पर्म। और इनकी खास बात ये है कि ये डिप्लॉयड नहीं है, ये हैप्लॉयड है। ये दोनों जो सेल्स हैं वो क्या है? हैप्लॉयड। अब ये दोनों रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्यूज होती हैं एंड जब ये दोनों फ्यूज होती हैं, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और बेटा जी, जैसे ही जायगोट बनता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाता है 46। 23 मम्मी से, 23 पापा से, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 23 पेयर। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। तो इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रीस्टोर करने का काम एक दूसरे प्रोसेस ने किया, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये दो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस इस ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड फेज दिखाएगा, बोले तो ओवा एंड स्पर्म की फॉर्म में। एंड ये जब फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन उस फेज को रीस्टोर कर देगा, बोले तो डिप्लॉइड फेज को। तो ये टर्म के साथ ही हमें ये बात समझ आ गई कि मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, और इसके रिजल्ट से ही क्या बनते हैं? गैमेट, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मेल होगा तो स्पर्म, फीमेल होगी तो ओवा। प्लांट के केस में भी हम मेल गैमेट, फीमेल गैमेट वर्ड यूज करते हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। चलिए, इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब बेटा जी, नेक्स्ट बात आती है फेजेस। तो देखो, माइटोसिस से यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी? यहाँ पे भी वही सेम फेजेस है। इंटरफेज है, एम फेज है। पहले तैयारी होगी, फिर डिविजन होगा। एग्जैक्टली सेम है, पहले G1 फेज होगा, फिर S फेज होगा, फिर G2 फेज होगा। याद है आपको, गेट सेट गो मैन। पहले क्या होगा? G1, फिर S, फिर G2। अब आइए मैन यानी कि M फेज। M फेज में यहाँ पे M का मतलब है मियोटिक फेज। बेटा जी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मियोसिस में फर्दर 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नहीं, टोटल अगेन 2 फेज बन गए। एक हम बोलते हैं मियोसिस 1 और एक हम बोलते हैं मियोसिस 2। अब इस मियोसिस 1 में भी फर्दर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा एंड मियोसिस 2 के अंदर भी फिर फर्दर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो टोटल आपने फेज पढ़े थे ना, पीएम एट, बोले तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे 1 कर दो फिर 2 कर दो। तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 1 1 होगा एंड फॉलोड बाय एक छोटू सा फेज आएगा बीच में जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। मतलब कुछ ऐसे होने वाला है, एम फेज में पहले M1 होगा, फिर इंटरकाइनेसिस होगा एंड देन M2 होगा। M1 में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे, फिर इंटरकाइनेसिस होगा एंड देन शॉर्ट से गैप के बाद हम वापस M2 में एंटर कर जाएंगे, जहां पे वापस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगा। यहां तक की बात क्लियर है? अगर एग्जामिनर आपको यहां पे भी सीरीज में जमाने को दे रहे तो आप इजीली जमा सकते हैं। बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, M1 एंड M2 को ध्यान रखें और बीच में इंटरकाइनेसिस लिया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब देखिए, शुरुआत करते हैं मियोसिस 1 से। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अभी मैं शुरुआत करूं तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मेल में बात करूं तो मैं कहां पर करूंगी ये मैकेनिज्म? टेस्टिस में, यानी कि मेल में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में मियोसिस हो सकता है। एंड अगर मैं फीमेल में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ओवरी के अंदर मियोसिस हो सकता है। ठीक, अब अगर मैं टेस्टिस में मियोसिस से पहले की बात करूं तो सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46। और ओवरी के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46। अब मियोसिस शुरू होगा तो बेटा जी, मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी 46 से, जो 2 नई सेल बनने वाली है, जो एक डिवीजन होने के बाद 46 से 2 नई सेल बनने वाली है, उन दोनों का नंबर हो जाएगा 23। आधा ना, तो आधा है, इसलिए इस डिवीजन का नाम रख दिया रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आते हैं। अब बेटा जी, ऑब्वियसली बात है, इसमें भी पहले प्रोफेज 1 होगा, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, मतलब पिक्चर
पिक्चर में थोड़ा ट्विस्ट हो, बड़ा मजेदार ट्विस्ट है, ट्रस्ट मी, इतना मजेदार ट्विस्ट है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो प्रोफेज वन लंबा है, कॉम्प्लेक्स है और मजेदार है। अब इसके इसके भी फर्दर सब फेजेस हैं। सब फेजेस को तुम कौन सी ट्रिक से याद करोगे? ले जाएंगे पैक कर दिलवाले दुल्हनिया, बोले तो यार भाई दिलवाले दुल्हनिया पैक करके ले जा रहे हैं किसको, दुल्हनिया को। तो ले से बनेगा आपका पहला नाम लैप्टोटीन, जाएंगे से बनेगा जायगोटीन, पैक कर से बनेगा पैकेटीन, दिलवाले से बनेगा डिप्लोटीन एंड दुल्हनिया से बनेगा डायकाइनेसिस। बच्चा लास्ट के दो में कंफ्यूज हो जाता है, डिप्लोटीन डायकाइनेसिस। तो बेटा यार सारे टीन टीन चल रहे ना, तो पहले टीन खत्म करो फिर काइनेसिस पे आओ। तो लैप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड देन लास्ट में डायकाइनेसिस। क्लियर? बड़े इंटरेस्टिंग से है, मतलब तुम इमेजिन करो अब थोड़ा ना लव स्टोरी वाले फेज में आ जाओ, थोड़े रोमांटिक फेज में आ जाते हैं हम अब थोड़ी देर के लिए क्रोमोजोम को क्रोमोजोम ना समझ के एक लड़का और लड़की समझेंगे। क्लियर? अब आ जाते हो। सबसे पहला फेज जो आता है वो क्या है आपका? लैप्टोटीन। लैप्टोटीन एल वर्ड से शुरू होता है। एल वर्ड का मतलब है लिप्टो। लिप्टो देखो तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हारा अगर मैं क्रोमोजोम बनाऊं तो क्रोमोजोम नहीं होगा, क्रोमैटिन थ्रेड होगा। तो क्रोमैटिन थ्रेड जब क्रोमोजोम बनना शुरू होता है तो वो लिपटना शुरू हो जाता है और लिपट के क्या बनाना शुरू कर देता है? क्रोमोजोम। तो भाई लैप्टोटीन में पहले लिप्टो, क्रोमोजोम को लिपटाओ और क्रोमोजोम ढंग का बनाओ। सेकेंड चीज आप ध्यान से देखो, जब क्रोमोजोम बनने लग जाएंगे तो जब क्रोमोजोम बनेगा तो क्या मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो दिखेगा? बिल्कुल। तो दो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले यहां पे क्रोमोजोम का कॉन्डेंसेशन होगा एंड नेक्स्ट यहां पर आपको एल से लेप्टोटीन, एल से लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्रोमोजोम दिखना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? आइए चलिए नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, जायगोटीन। अब तुम्हें इससे पहले समझना पड़ेगा होमोलोगस क्रोमोजोम। बेटा जी अभी मैंने आपको बोला टोटल आपके पास 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्लियर? 46 क्रोमोजोम में अगर मैं पेयर की बात करूं तो 23 पेयर होते हैं। इन 23 पेयर को अगर मैं रखूं तो कुछ ऐसा होगा, नंबर वन क्रोमोजोम एक मम्मी से आया होगा, एक पापा से आया होगा, तो ये फर्स्ट पेयर है। ऐसे चलते चलते आप 23rd पेयर पे आओ तो याद है मम्मी से, अगर आप लड़की हो तो मम्मी से एक्स आया होगा और पापा से भी एक्स आया होगा। तो ये पेयर की फॉर्म में होते हैं और ये जोड़ा क्या कहलाता है? होमोलोगस क्रोमोजोम। कैसे याद करोगे? होमोलोगस एच से होता है और मम्मी पापा क्या है? हम सफर। तो हम सफर क्रोमोजोम है, ये साथ साथ चलेंगे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर पेयर की फॉर्म में, जोड़े के फॉर्म में चलेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब आगे देखो, देखो अब तुम्हें क्या समझना है, जब जोड़ा बन गया मम्मी और पापा का जोड़ा बन गया तो अब वो दोनों पास रहना पसंद करेंगे। तो बेटा जी सेकेंड फेज में आपका क्या होगा, ये जो जोड़ा है ना हमारा, ये जहां कहीं भी घूम रहा था साइटोप्लाज्म में, जहां कहीं भी घूम रहा था, फटाक से अब एक दूसरे के पास आ जाएगा और एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाएगा। बेटा जी जब इतना आंखों में आंखें डाला है ना तो एक बार थोड़े हाथ भी पकड़वा दो, थोड़ा सा ना DDLG के फॉर्म में चले जाओ। लो जी दोनों ने हाथ भी पकड़ ली। तो यहां पर क्या होने वाला है, जायगोटीन में पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम में, वो दोनों साथ आके खड़े हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं साइनाप्सिस, इस पेयरिंग को हम बोलते हैं साइनाप्सिस। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ने का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या बन चुका है? कॉम्प्लेक्स, और उसे हम बोलेंगे साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड साइनाप्सिस, बीच में कॉम्प्लेक्स बना साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा जी एक बात आपको ध्यान से समझनी है, दो टर्म आते हैं, एक टर्म आता है बाइवेलेंट और एक टर्म आता है टेट्राड। बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों टर्म में, बड़ा आसान सा टर्म है। देखो बाइवेलेंट अगर मैं क्रोमोजोम के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो बेटा जी ये एक क्रोमोजोम है और एक दूसरा क्रोमोजोम है, मतलब है पेयर ही पर दो क्रोमोजोम है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम टर्म वर्ड क्या यूज करने वाले हैं? बाइवेलेंट। पर अगर मैं सिस्टर क्रोमैटिड के टर्म में बात करूं तो बेटा जी ये वन, ये टू, ये थ्री एंड ये फोर, टोटल क्रोमैटिड्स कितने हो गए? चार। तो क्या मैं क्रोमैटिड के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज कर सकती हूँ? टेट्राड। क्लियर है? क्रोमोजोम के कॉन्टेक्स्ट में बाइवेलेंट, क्रोमैटिड के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? टेट्राड। मतलब पूरे क्रोमोजोम के कॉन्टेक्स्ट में मैं क्रोमोजोम हूं और मेरा पति क्रोमोजोम है तो हम दो हैं, बाइवेलेंट। अगर हम दोनों हाथ मिला दें, मेरा नंबर वन नंबर टू, अब पति देव का नंबर वन नंबर टू, टोटल कितने हो गए? चार। तो चार हाथ, टेट्राड। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा जी यहाँ पे जो बाइवेलेंट बना है ना, ये एकदम मस्त एनसीईआरटी की गर्मा गर्म लाइन है कि भाई बाइवेलेंट आपको क्लियरली विजिबल नेक्स्ट स्टेज में होता है, जो कि स्टेज है पैकेटीन। एक और मजेदार आपको बात याद रखनी है, ये जो लैप्टोटीन और जायगोटीन है ना, देखो यार शादी के लिए ना कोर्टशिप पीरियड बड़ा छोटा रखा जाता है, जल्दी जल्दी शादी करा देते हैं। तो ये जो मिले और लिपटे, ये जो मिले और एक दूसरे के साथ आके खड़े हो ना, ये पीरियड बड़ा शॉर्ट रखो, ज्यादा लंबा मत रखो, समझ रहे हो? तो जो स्टार्टिंग के दो फेजेस हैं ये बड़े शॉर्ट शॉर्ट से, फटाक से इनकी शादी करा दो। शादी कराने के लिए थर्ड स्टेज में एंटर कर जाओ, दैट इज पैकेटीन। पी से पैकेटीन, पी से परीने, परीने मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसका मतलब होता है शादी, समझ रहे हो?
तो इनकी फट से क्या करा दो, शादी। तो अब आ गए हम तीसरे स्टेज में, दैट इज पैकेटिंग स्टेज। बेटा जी पैकेटिंग स्टेज एकदम मस्त वाला इमेजिन करो। देखो ये तुम्हारे सामने ये दो क्रोमोसोम, अगर तुम देख पा रहे हो, रुकना एक मिनट में तुम्हें दिखाती हूँ। यस देयर यू गो, ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा गिफ्ट रखा है। देखो ये दोनों क्रोमोसोम एकदम बगल में खड़े हैं, ठीक है, और बगल में खड़े होते ये अपना एक सेगमेंट जो एक्सचेंज करेंगे। दोबारा सुनना, ध्यान से देखना, ये मैं हूं और ये मेरे हस्बैंड का हाथ है। हम दोनों ने अपना हाथ पकड़ा और मैंने कहा ले भाई तू मेरा सामान ले ले और मैं तेरा सामान ले लू। दोनों ने कुछ पार्ट हमना एक्सचेंज किया है। तो अगर मैं इसको ढंग से थोड़ा और समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि पैकेटिन में जो क्रोमैटिड होते हैं, ध्यान से सुनना, ये एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये वाइफ का, ये हस्बैंड का। तो बेटा जी अगर ये क्रोमैटिड पास आए तो क्या ये सिस्टर क्रोमैटिड हुए? नहीं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का कुछ मतलब नहीं है, तुम इमेजिन करो तुम शाहरुख खान हो, मैं काजोल हूं, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हाथ में जो था वो मैंने ले लिया। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो लो जी यहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें एक्सचेंज होती है किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के। क्लियर है भाई? तुम और मैं अगर पास में आ रहे तो तुम्हारा क्रोमैटिड और मेरा क्रोमैटिड सिस्टर थोड़ी होगा, तो नॉन सिस्टर हो गया। क्लियर? अब बेटा जी इसका ये जो रिजल्ट होता है ना, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे सेगमेंट की थोड़ी मेरे पास आ गई, मेरी थोड़ी तुम्हारे पास चली गई। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जहां रिकॉम्बिनेशन है वहां एक प्यारा सा एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेस। यानी कि ये जो मैंने तुम्हें अभी बात बताई ना, ये एक क्रोमोजोम और ये एक क्रोमोजोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने जो एक्सचेंज किया, इसके लिए वी नीड एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेस। और रिकॉम्बिनेस से जो रिजल्टेंट प्रोसेस हुआ, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। क्या यहाँ पे जो टर्म्स है क्लियर हुई? पैकेटिन में कुछ नहीं हुआ, शादी हुई, परिणय हुआ। शादी में यही होता है, एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ता है। भाई एक लड़के का हाथ और एक लड़की का हाथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, दोनों ने छोटा छोटा सामान एक दूसरे को दे दिया, प्रोसेस का नाम है रिकॉम्बिनेशन और इससे ही बदलाव आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा जी। ये प्रोसेस जो अभी मैंने तुम्हें बताया ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्रोफेस के एंड में खत्म हो जाएगा। यानी कि शुरुआत प्रोफेस से होगा, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रोफेस के एंड तक खत्म हो जाएगा। मतलब ये पैकेटिंग जो स्टार्ट हुआ ना, ये पैकेटिंग जो है प्रोफेस के, यहाँ पे एक्चुअली ना प्रोफेस वर्ड की जगह मुझे पैकेटिंग लिखना चाहिए, रुकिए यहाँ पे पैकेटिंग वर्ड सही आएगा। पैकेटिंग शुरुआत जो है, पैकेटिंग के एंड में ये जो एक्सचेंज है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब आइए आगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डिप्लोटीन। बेटा जी अब तुम इमेजिन करो, लड़का और लड़की को घर वालों ने कह दिया नहीं भाई अलग हो जाओ, नहीं करवानी तुम्हारी शादी, हल अलग हो जाओ। तो दोनों को एक दूसरे का हाथ छोड़ना पड़ेगा। ये जो प्यार भरा संबंध था, ये हाथ जो पकड़ा था, अब एक दूसरे को एक दूसरे का हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो बेटा जी जब हाथ छूटेंगे तो ऐसा नहीं होता, तुमने मूवीज में देखा है, जाते जाते यार तुम मुझे कुछ अपना सामान दे दो, मैं तुम्हें कुछ अपना सामान दे रही हूँ, है ना। अब दे दिया सामान तो अब हाथ भी छोड़ दो, तो हाथ छोड़ते छोड़ रही हूँ हाथ छूट रहा है, पर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है यार, मन नहीं कर रहा एक दूसरे को छोड़ने का। तो जब एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, तुम दोनों के बीच में क्या बना? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू हो गया, बट जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, हाथ से हाथ जहां मिला था, वो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो बेटा जी इस स्टेज में क्या होगा? डिससोल्यूशन हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जायगोटिन में बना था वो टूट जाएगा। एक ही साइट रहेगी जहां पे अभी भी हाथ जुड़े हुए, वो है क्रॉसिंग ओवर साइट। और क्रॉसिंग ओवर साइट यहाँ पे क्या थी? हाथ। तो जैसे यूं एक दूसरे से हाथ छूटेगा ना, तो छूटेगा तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। जो ये एक्स शेप्ड पॉइंट बना ना, इसे हम बोलते हैं काइज़मेटा। देखो ध्यान से, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा एक क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे से पूरे अलग हो चुके हैं, बस इस पॉइंट पे अभी भी अटैच हैं। ये पॉइंट वो है जहां से ये टूटना लास्ट स्टेप है। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? काइज़मेटा। क्लियर है? ये वही जगह है जहां पे अभी क्या हुई थी? क्रॉसिंग ओवर। छोटा छोटा सेगमेंट क्या हुआ था? एक्सचेंज। आगे चलें बेटा जी, अब मेरी बात सुनो, कितना मजेदार फेज है यार। मतलब एक पहले तो मिले थे, अब तोड़ना है, बस खत्म है, आखिरी, इसके बाद नहीं मिलेंगे, जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या तुम्हारा मन करेगा इसमें हाथ छोड़ने का? तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, भाई लास्ट है, आज के बाद नहीं मिलने वालों, तो हाथ छोड़ने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट बात,
ऊसाइड जो होती है कुछ वर्टिब्रेट में, ऊसाइड स्टेज होती है एग बनने की, है ना। तो ऊसाइड जो होती है कुछ वर्टिब्रेट में मन ही नहीं करता भाई उनको इस स्टेज से निकलने का, लगता है यार अब टूटे तो आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। तो बेटा जी ऊसाइड उसी स्टेज में अटक जाती है कई कई महीने या कई कई साल तक, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं वहीं रह जाऊंगी। ब्रेकअप से पहले भैया इंसान अटक जाता है, भैया मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना, तो यही हो रहा है। तो ऊसाइड कुछ वर्टिब्रेट्स का मंथ या ईयर्स तक इसी स्टेज में अटक जाता है जिसका नाम है डिप्लोटीन। क्लियर। डायकाइनेसिस फुल एंड फाइनल, बहुत हो गया जी, हाथ छोड़ दो चुपचाप, पिक्चर समाप्त करो, आगे आगे बढ़ जाओ, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो डायकाइनेसिस में कुछ नहीं, टर्मिनेट कर दो सब कुछ, ये जो आखिरी था ना छोड़ना। अरे डीडीएलजे में तुम्हें पता है लड़का लड़की को अलग कर रहे होते ना, तो उधर से पिताजी खींच रहे होते, इधर से दूसरे पिताजी खींच रहे होते, वो दोनों एक हाथ ये पकड़े होते हैं और फाइनली पिताजी, दोनों पिताजी इतना प्रेशर लगाते दो टूट गया, समझिए। तो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइजमेटा का। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर। अब बेटा याद करो जब तुमने माइटोसिस पढ़ा था मेरे साथ, तब मैंने तुम्हें बोला था सीसीडी, कैफे कॉफी डे। पहला क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस। नेक्स्ट सी से क्या हुआ था, सेंट्रियोल दूसरी तरफ मूव किया था और उसमें से एस्टर रेज निकली थी। और डी से क्या हुआ था, डिसअपियर, कौन, सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा जी ये भी तो प्रोफेज ही है, बस इसमें हमारा पूरा ध्यान क्रोमोसोम की एक्टिविटी पे हो गया, पर इसके अंत तक ये सारी एक्टिविटी भी होंगी, भूल ना जाना। यहाँ पे भी क्रोमोसोम कंडेंस होगा, सेंट्रियोल मूव करेगा, सेंट्रियोल से एस्टर रे निकलेंगी, डिसअपियर होंगे सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। जिस पॉइंट पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, देयर यू गो, यू विल एंटर इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज वन। तो लो जी डायकाइनेसिस एंड है, इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो क्या है, मेटाफेज वन। आइए चलिए शुरू करते हैं मेटाफेज। बेटा जी एज इट इज सिंपल, जैसा अपन ने माइटोसिस पढ़ा था सेम आपने याद करना है। एम से मेटाफेज, एम से मिडिल, एम से मेटाफेजिक प्लेट, इसका मतलब क्या है, आओ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, डिफरेंस समझना। पिछली पिक्चर में ये रहे थे आपके सेंट्रियोल और ये क्रोमोसोम सारे लाइन से आके जम गए थे, मतलब कुछ ऐसे था 1, 2, 3, 4 एंड टिल 46 सारे लाइन से आके बीच में मेटाफेजिक प्लेट में जम गए थे। यहाँ पे पिक्चर में डिफरेंस ये है कि अभी वो लाइन से ना खड़े होकर जोड़े में खड़े होंगे, पेयर की फॉर्म में खड़े होंगे। तो अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े में आके बीच में खड़ा हो जाए, बाकी सब सेम है। देखो जी वही सेम है, मिडिल में आके खड़े हो जाएंगे, बस डिफरेंस क्या है, इस बार बाइवेलेंट क्रोमोसोम आएगा, जोड़े में आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा बीच में। एग्जैक्टली सेम जब बीच में आएगा तो मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे आप, यहां तक की भी बात क्लियर है। और एग्जैक्टली सेम यहां पर यह भी होने वाला है कि इधर के सेंट्रियोल से भी स्पिंडल फाइबर इधर अटैच हो जाएगा और इधर के सेंट्रियोल से भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, किससे, काइनेटोकोर से। तो इतना सब कुछ सेम है तो डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो भाई डिफरेंस क्या है, ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो तो पिछली बार क्रोमोसोम में यहां पे भी काइनेटोकोर था, यहां पे भी काइनेटोकोर था, एक स्पिंडल फाइबर बेटा जी यहां अटैच हो रहा था इस काइनेटोकोर से, एक इधर अटैच हो रहा था। अगर तुम इस पिक्चर से हटके इस डायग्राम को ध्यान से देख पा रहे हो तो इस बार ये रहा एक काइनेटोकोर, ये रहा एक काइनेटोकोर, पर स्पिंडल फाइबर सिर्फ एक काइनेटोकोर से अटैच। अगर मैं एक क्रोमोसोम हूं तो पिछली बारी दोनों साइड से अटैच थी पर इस बारी सिर्फ एक साइड से अटैच हूं, तो दोनों काइनेटोकोर ऑक्यूपाई नहीं है, बस डिफरेंस इतना है इस साइड से एक अटैच है और दूसरी साइड से होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच है। क्लियर है। तो यहां पर आप एक मेजर डिफरेंस ध्यान दें, यहां पे काइनेटोकोर, यहां पे काइनेटोकोर, ये दोनों काइनेटोकोर अभी वेकेंट है। क्लियर है यहां तक की बात। आगे आ जाइए बेटा, ये लिख रहा है स्पिंडल फाइबर अटैच रुके होमोलोगस क्रोमोसोम से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनाफेज, ए से एनाफेज, ए से अलग, अलग होने वाला, यानी कि यहाँ पे भी वही दुख भरी दास्तां है, अलग होने वाले हैं। पर बेटा जी इस बार पिक्चर अलग है, पिछली बार तो हम ही टूट रहे थे, है ना, इस बार मम्मी पापा के क्रोमोसोम अलग होने वाले हैं, अब कभी नहीं मिलने वाले, मम्मी पापा अपने अपने रास्ते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट जो आपको याद रखना है ना, जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, पैकेटीन यानी कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट से आप ये देख पा रहे हो, मम्मी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन पापा के क्रोमोसोम के पास है, पापा के क्रोमोसोम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मम्मी के क्रोमोसोम के पास है। यही नीव यानी कि यही बेस बनेगा वेरिएशन का, तभी तो आप मम्मी पापा जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते, वेरिएशन आते हैं। क्लियर। अब बेटा जी ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इधर डायग्राम में वापस से वो सेगमेंट कलरफुल दिखाना जरूरी है। देखो जी क्रोमोसोम अलग हो गए, ध्यान से सुनो, अलग हुए हैं पर इस बार होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं। ठीक। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए। क्लियर। सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी वहीं अटैच है, सेंट्रोमियर बरकरार है। बेटा यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट मैं तुम्हें ध्यान से समझाती हूँ।
क्रोमोसोम का नंबर बेटा जी हाफ होने वाला है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी स्टेज पे क्या हो जाता है, हाफ। हालांकि पूरा हाफ दिखेगा नहीं, शुरुआत हो चुकी है हाफ होने की, क्लियर। ध्यान से देखो यही लाइन आगे लिखी होगी, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर्स एट एनाफेज वन, रिडक्शन होने की शुरुआत हो चुकी है। अब फाइनल रिडक्शन कब हो जाएगा, जब सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं बेटा जी, अब टीलोफेज वन, यहाँ पे भी टीलोफेज में टी से आपने याद रखना है टू, सब कुछ टू टू कर दो, हर कुछ दो दो कर दो, बंटवारा कर दो, इस बार मम्मी और पापा को ही अलग कर दो। लो जी क्रोमोसोम अपने पोल तक पहुंच जाएगा, अगेन डी कंडेंस होने लग जाएगा, बट होल्ड ऑन, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस, ध्यान से सुनो। माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम डी कंडेंस होके बिल्कुल एग्जैक्टली क्रोमैटिन थ्रेड बन गया था, ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, डीकंडेंस होना शुरू होगा बट इस एक्सटेंडेड स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, बस थोड़ा सा डीकंडेंस होगा क्योंकि उसको पता है मुझे अभी एक और डिवीजन करना है। तो यार क्या सेंस है, मतलब मेरी बात सुनो, अगर सपोज करो तुम्हारे दो पेपर हो लगातार और एक घंटे का गैप है, तो तुम पागल ही होंगे जो बिल्कुल ही, मतलब है ना, सेंटर तुम्हारा कहां है, पहले घर पहुंचोगे फिर वापस से जाओगे, ऐसा नहीं करोगे? या ऐसा होगा कि तुम्हारे एक घंटे के गैप में तुम खाना वाना खाने की जगह कोई नया ही चैप्टर खोल के बैठ जाओगे? नहीं ना। तो बेटा जी कुछ नहीं, जरा सा बस एक बेसिक सा डीकंडेंस करो, पर पूरा डीकंडेंस ना करो, उसको एग्जैक्टली एक्सटेंडेड स्टेज यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड तक मत पहुंचाओ, क्लियर। अब दोबारा ये सब चीज एज इट इज प्रोफेज वाली रीअपियर करवा देनी है, जो गायब किया था उसको लेकर आ जाओ, जो गायब किया था उसको लेकर आ जाओ, गायब क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल, उसको दोबारा लेकर आ जाओ, टन टना। अब बेटा जी एक तरीके से हम सब कुछ वही करे जा रहे हैं, इस बार हमने बस डिफरेंस इतना किया मम्मी पापा के क्रोमोसोम को अलग कर दिया, यहां पर फाइनल आके बेटा जी वो तो सब डिसअपियर करना है, स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर कर दो, मतलब टीलोफेज में, मैं दोबारा बताऊं, क्रोमोसोम वापस से क्या होने लग जाएगा, डीकंडेंस, एक्सटेंडेड स्टेज पर नहीं पहुंचेगा, जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा, एंड यहां पर आप कर चुके हैं टीलोफेज टू। ऑब्वियसली बात है टीलोफेज वन के बाद आपने साइटोकाइनेसिस करनी है। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, ये एनाफेज से शुरू हो गई थी, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल द डीएनए। दो मिनट के लिए इस पिक्चर को रोको, मैं दो मिनट बाद समझाऊंगी, अब आ जाओ पहले आप साइटोकाइनेसिस पे। बेटा टीलोफेज में, तो मैं उस दिन भी बताया था, टीलोफेज के अंत होने पे साइटोकाइनेसिस नहीं शुरू होता, एनाफेज के ऑलमोस्ट एंड तक आते आते आपका साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस वर्ड का मतलब ही क्या था, साइटोप्लाज्म को क्या कर देना है, हमने डिवाइड कर देना है। तुम्हें याद आ रहा है, मैं डिटेल में बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, एनिमल में क्या होता है, सेल फरो मेथड होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खिंचती खिंचती दो पार्ट में डिवाइड करके दो सेल्स बना देती है। और अगर प्लांट है तो क्या बनने वाला है, सेल प्लेट मेथड, तुम्हें बताया था ना मैंने, बीच में क्या होने वाला है, सेल में गोल्गी वेसिकल्स एंड कुछ माइक्रोट्यूब्यूल बीच में आ जाएंगे, ऐसे प्लेट बना देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट जब जुड़ जाएंगे तो प्लेट बन जाएंगे, और धीरे धीरे गोल्गी वेसिकल क्या रिलीज करने वाले हैं, बढ़िया धमाधम कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट रिलीज करके क्या बना देंगे, मिडिल लेमिना। तो ये मैं पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, अब डिटेल में नहीं पढ़ना। अब बेटा जी लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, जो लाइन मैंने अभी तुम्हें स्किप कराई थी ना, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हो जाएगा आधा पर डीएनए डबल रहेगा, इसका मतलब समझाने के लिए इस टेबल को समझो। सुनो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां से स्टार्ट किया था तुमने, 46, क्रोमैटिड क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कर आए थे तो 92 था, ठीक, मेटाफेज में भी सेम रहेगा 46-92 क्योंकि बीच में आके जम रहे। अब अगर तुम एनाफेज पे ध्यान दो तो बेटा जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, पेयर में थे 23-23, ये अलग हो रहे हैं। अगर यहाँ पे अलग हो रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से अलग होंगे, तो फ्यूचर में अलग होंगे, अभी यहाँ पे स्टेज में तो 46 हैं, पर धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, तो सेल बाय सेल 23 फ्यूचर में बनेंगे, अभी अलग होना शुरू हुए हैं। सिमिलरली आप अगर क्रोमैटिड की बात करें तो क्रोमैटिड यहाँ पे 92 है, अलग होना शुरू हुआ है, ठीक है, और अगर मैं अलग कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 46। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो ये एक्सटेंडेड स्टेज है एनाफेज का, मतलब वो अलग अलग कोने में पहुंच चुके हैं, तो वही 46 थे पर अब एक आधा इधर पहुंच गया आधा इधर पहुंच गया तो 23 हो गए हैं, है ना, और यहाँ पर ये एज इट इज एक्सटेंडेड स्टेज में इधर 46 हो गया, तो बेटा जी एंड आते आते नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 23 हो जाएगा, जो 46 था ना, जो 23 पेयर थे, 23 इधर चलेगा, 23 इधर आ गए, तो बेटा इस सेल के पास 23,
इस सेल के पास 23 तो नंबर ऑफ एंड रिजल्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, और इधर 46 मतलब कुछ ऐसे था ना, यू ऐसे है ना, तो 46 जो था क्रोमैटिड जो है वो इधर 92 से 46 होते 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 अलग हो गई ना, तो आपका क्रोमोसोम करंटली इस स्टेज में है, तो इस स्टेज में तो याद करो डबल स्टेज होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर तो हो गया आधा 23, डीएनए अभी भी डबल है 46। एक बार मैं दोबारा समझाना चाहती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया समझा के, सुनो ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस है, ये अभी पेयर है, ये अलग हो गया, अलग होते ही पेयर आधा आधा हो गया ना, तो बेटा यहाँ पे 23 यहाँ पे 23 पहुंच गया, ठीक, क्योंकि ये दोनों ही रेप्लिकेटेड थे, तो बेटा ये भी पूरा रेप्लिकेटेड था, ये भी रेप्लिकेटेड था, तो ये पूरा का पूरा गया है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आधा हो गया, पर डीएनए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसा दिख रहा होगा ना इसका भी, ऐसा लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, तो ये स्टेट तो अभी भी डबल स्टेट है, क्योंकि अभी तो ये आगे टूटना है, इसलिए आपका डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है, तो ये कितना कंटेंट आएगा 46। आई होप अब तुम्हें ये बात क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, एनसीईआरटी में यही समझा रखा है, इसको मैंने डिटेल में समझा दिया, अब आ जाते हैं हम इंटरकाइनेसिस। सुनो, जैसा कि मैं यही कह रही हूँ कि आपके मियोसिस वन एंड मियोसिस टू बहुत करीबन करीबन पास पास ही होते हैं, ज्यादा कोई ब्रेक नहीं होता लंबा, तो डीएनए को ये बात पता थी, क्रोमोसोम को ये बात पता थी, तो वो एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं पहुंचो, नहीं का नहीं, नहीं तो पूरे क्रोमोसोम बने, उसे पता था यार क्रोमोसोम बन के रहो, अभी फटाक मतलब ऐसे इमेजिन करो कि मैं लंच में आती हूं, तो मुझे एक छोटा सा मौका मिलेगा, तो मैं क्या ऐसे बिल्कुल बिल्कुल घर के कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी क्या, एक घंटे के ब्रेक में, एक घंटे के ब्रेक में भी बस नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए थोड़ा बहुत कंफर्टेबल जो है ड्रेसिंग कर सकते हो, बैठे सुन रहे हो कि पूरा मुंह मुंह धोके बैठ जाओ, ठीक। सिमिलरली ध्यान से सुनो, इंटरकाइनेसिस भी एक छोटा सा फेज है, मियोसिस वन के जस्ट बाद मियोसिस टू ना होके सेल कहती है मुझे 2 मिनट की शांति दे दो, और ये 2 मिनट की शांति का फेज ही इंटरकाइनेसिस है, यानी कि मियोसिस वन एंड मियोसिस टू के बीच का फेज क्या कहलाता है, इंटरकाइनेसिस। क्या यहाँ पर बैक टू बेसिक सारी तैयारी होगी? नहीं। अगर मैं बात करूं कि आपका अभी पेपर खत्म हुआ और 10 मिनट बाद दोबारा पेपर है, तो बेटा जी तुम लास्ट पॉइंट पे ऐसा हो सकता है सिर्फ बेसिक रिवीजन करो, तो तुम एज अ सेल बस इतना चेक करोगे, मेरे पास सारे प्रोटीन बने हुए हैं ना, चेक कर लो, थोड़ा बहुत प्रोटीन रह रहा है तो बना लो। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पर ना सेंट्रियॉल रेप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रियॉल अभी ऑपोजिट पोल पे जाके खत्म हो गया है, तो यहाँ पे तुम्हें सेंट्रियॉल रेप्लीकेट करना पड़ेगा, यानी कि इस छोटे से गैप में आपको एक बार चेक करना पड़ेगा प्रोटीन तो नहीं रह गया, और एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि भैया सेंट्रियॉल डुप्लीकेट कर लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना थोड़े प्रोटीन बना लो, थोड़ा सेंट्रियॉल डुप्लीकेट कर लो बस। तो इसीलिए ये बहुत ही छोटा सा फेज है, शॉर्ट फेज इंटरकाइनेसिस, टन टना नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाओ, दैट इज योर। अच्छा, एक डिफरेंस पॉइंट मैंने डाल रखा है, इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है, सुनो, इंटरफेज एम फेज से पहले आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पर भी इंटरफेज है, मतलब माइटोसिस में भी इंटरफेज आता है, मियोसिस में भी इंटरफेज आता है, ठीक। इंटरकाइनेसिस सिर्फ मियोसिस में आता है, कभी भी माइटोसिस में नहीं आता, दोनों में मतलब ये बात याद रखनी है कि इंटरफेज कॉमन है पर इंटरकाइनेसिस सिर्फ मियोसिस में होता है, ठीक। यहाँ पे आराम से बड़ी मगजमारी होती है, बड़ा लंबा फेज होता है, आप मान के चलो सेल 95% टाइम यही स्पेंड करती है। इंटरकाइनेसिस बिल्कुल शॉर्ट फेज है, जरा सा फेज है, और यहाँ पे कोई मेजर सिंथेसिस भी नहीं हो रही, बस डीएनए जो है, सॉरी डीएनए क्या, बस सेंट्रियॉल रेप्लिकेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन बेटा जी यहाँ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होती, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं मियोसिस टू पे, मियोसिस टू की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है माइटोसिस से, मतलब अगर तुम्हें माइटोसिस आता है तो एज इट इज पूरा रिपीट करना है हमें मियोसिस टू, तो इतनी सिमिलैरिटी है, माइटोसिस जैसा ही है, इक्वेशनल डिविजन ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो फिर चेंज क्या है, चेंज क्या है, सुनो, डिफरेंस इतना है, जैसे तुम जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो तुमको मैंने एग्जांपल देके बताया था कि भैया 46 से 46 बनाया था, मियोसिस टू एक्चुअली में मियोसिस का एक फेज है, जहां पे जब आपने अभी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस किया है ना, उसके फर्दर आपने गैमेट फॉर्म करने, तो मियोसिस टू कैसे अलग है, ध्यान से सुनो, पहली बात इट इज पार्ट ऑफ मियोसिस, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है, जो हाल ही फिलहाल आपने अभी रिडक्शनल डिवीजन से जो दो सेल बनाई है ना 23 एंड 23 की, इससे फर्दर आपने 4 गैमेट बनाने के लिए आप ये स्टेज कर रहे हैं, समझ रहे हो, 4 गैमेट बनाने के लिए आप ये स्टेज आगे कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हालांकि जो मैंने लाइन बोला ना 4 गैमेट बनाने के लिए, ये तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना फीमेल में ट्विस्ट आता है, फीमेल में प्यूरी मियोसिस के बाद एक ही गैमेट बनता है, ट्विस्ट है यार लड़कियों के थोड़े, है ना,
तो ये तुम्हें बाद में समझ आएगा, बट अब एक जनरल याद कर लो कि रिडक्शनल डिवीजन के जस्ट बाद नंबर ऑफ सेल जो है चार गैमेट बनाने के लिए आपने मियोसिस टू करा है, क्लियर। चलिए बेटा जी ये जो डायग्राम है तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएगा अभी, ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें दो कलर्स यूज करके बताए थे, एक ग्रीन और एक पिंक, कुछ भी नहीं है, वही ग्रीन एंड पिंक है। यहां पर मैंने तुम्हारे लिए एक डायग्राम पहले से बना दिया, एक अपन साथ में बनाएंगे। देखो एक क्रोमोसोम ये था, एक क्रोमोसोम ये, लो जी पहले प्रोफेज वन में तो यही करना था, क्रोमोसोम कंडेंस करना था और क्रोमोसोम पूरा का पूरा बनाना था। वही सेंट्रियोल दोनों साइड भेजने थे, सेंट्रियोल रेडिएट करेगा एस्टर रेज एंड स्पिंडल फाइबर जो है वो जो है प्रॉपर स्पिंडल अपैरेटस बनना शुरू हो जाएगा, क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ जाएगी, सेल ऑर्गेनेल उड़ जाएंगे, सेम बात, सेम सीसीडी सेम। अब आ जाओ मेटाफेज में भी सब सेम, सब एम मिडिल मिडिल मिडिल, मेटाफेजिक प्लेट बना दो। तो बेटा जी जैसे यहां पर ये बीच में पहुंच गया ना, इधर ये बीच में पहुंच जाएगा, लाओ इधर इसको ले आओ बीच में, ये लो ये पहुंच गया बीच में। बस इसकी एक सेगमेंट ध्यान रखना बेटा जी, वेरिएशन के लिए हमने एक सेगमेंट अलग किया है वो ध्यान रखो, ठीक। वही सेम है, यहाँ पे सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रियोल, इधर से काइनेटोकोर से ये अटैच हो गई, इधर से काइनेटोकोर से अटैच हो गई। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, इस बार दोनों काइनेटोकोर पे अटैच हुआ है स्पिंडल फाइबर, इसलिए तो माइटोसिस जैसा है, क्लियर है। आगे चलते हैं, एनाफेज ए से अलग, ए से एनाफेज बिल्कुल अलग कर दो। लो जी एक सेंट्रियोल यहां पहुंचा दो, एक सेंट्रियोल यहां पहुंचा दो, यहां से स्पिंडल फाइबर ये रही, यहां से स्पिंडल फाइबर ये रही, लो जी इनको अलग कर दो। ये आधा टूट के इधर चला गया, आधा टूट के इधर चला गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब ध्यान देने वाली है, दोबारा सेंट्रोमियर टूटा है, पिछली पिक्चर में सेंट्रोमियर नहीं टूटा था, दोबारा सेंट्रोमियर टूटा है माइटोसिस की तरह, और सेंट्रोमियर आगे की तरफ जाएगा, उसके पीछे ट्रेल करेगी क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर विल मूव फॉरवर्ड एंड विल फॉर्म एज अ लीडिंग पार्ट, एंड उसके पीछे ट्रेल बिहाइंड कौन कर रही होगी, क्रोमैटिड। ध्यान से देखो बेटा, सेम चल रहा है माइटोसिस के जैसा, और एज इट इज लास्ट में कर दो टीलोफेज। बेटा जी जैसे टीलोफेज आएगा, लो जी वापस से सेम, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, थोड़ा सा ट्विस्ट है, कायदे से तो ये ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं कर रही मैं, तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूं कि अब ये ऐसी पिक्चर बन गई, अगर तुम देख पा रहे हो तो। अब लास्ट में मेरे पास चार क्या बन चुके हैं, गैमेट। डिफरेंस देखो, क्या ये पेरेंटल गैमेट ही है, एग्जैक्टली पेरेंट जैसा गैमेट है, क्या ये पेरेंट जैसा गैमेट है, हाँ, पर अगर तुम देखो तो ये गैमेट में कुछ डिफरेंस है, ये गैमेट में कुछ डिफरेंस है, और यही दो गैमेट डिफरेंस ला सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने पापा मम्मी से फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर ऐसे कुछ अलग वाले गैमेट लिए होंगे तो आप में काफी वेरिएशन आएगा। तो इन शॉर्ट मियोसिस ने एक तो गैमेट बना दी। देखो जी बेटा लास्ट में क्या मतलब निकला, मियोसिस ने एक तो गैमेट प्रोडक्शन कर दी, साथ में ये जो गैमेट में क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसके चलते वेरिएशन आया, ये एक बेस बनता है फर्दर एवोल्यूशन के लिए। तभी तो ऑर्गेनिज्म ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था भाई जितना मजेदार वेरिएशन लाओगे उतने ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई वेरिएशन आएंगे तभी चेंजेस के साथ रहने की क्षमता आएगी, एवोल्यूशन तभी होगा। तो ये बात हम एक्चुअली में मियोसिस के इस लास्ट स्टेप से देख पा रहे हैं। अब एक बात जो आप बच्चे को दोबारा कंफ्यूज कर सकती है, बेटा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोफेज वन में कितना था, सॉरी प्रोफेज टू में कितना था, 23, क्रोमैटिड कितने थे, 46, मेटाफेज में कुछ नहीं बीच में आके जमे तो अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, एनाफेज में टूटेंगे, एनाफेज में टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे ये 23 क्रोमोसोम टूट गया, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, क्लियर है, और इसीलिए क्रोमैटिड भी टूटेगा, पर टूटा है पर अभी दिख तो नहीं रहा ना, दिखते दिखते तो अभी भी 46 ही दिख रहा है, और ऑलमोस्ट सेम सी अपन को टीलोफेज में लेना होता है। पर अंत में ध्यान से देखो, जब ये अलग हो जाएंगे, ये बंदा एक साइड पहुंच गया, ए बंदा एक साइड पहुंच गया, तो रिजल्ट में 23 क्रोमोसोम हो गए, और अब डीएनए भी आधा हो गया। ध्यान से सुनो, जो डीएनए था वो भी क्या हो गया, आधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस वन में आप 46 पे एंड हुए थे, मतलब शुरुआत की थी और एंड 23 पे हुए थे, और आपने डीएनए का डबल स्टार्ट 92 से किया था, 46 पे एंड किया था। यहां पर आप 23-46 से शुरू हुए थे और अंत आपने 23-23 पे किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा सुनो, 23-46 पे एंड किया था,
यहाँ पे 23 23 पे एंड किया है, वहां पे डीएनए का नंबर डबल था, यहाँ पे डीएनए का नंबर आके बराबर हो गया, क्रोमोसोम अभी भी सेम है, क्लियर। और बेटा जी इसी के साथ सिग्निफिकेंस तुम्हें समझ आ गया कि इसी से हमारे गैमेट बनते हैं, वेरिएशन आता है। तो मियोसिस आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड जो मैंने इतनी मेहनत से एक्टिंग वगैरह की थी मस्त वाली वो भी तुम्हें समझ आई होगी। तो मियोसिस इसी के साथ बहुत ही ईजी टॉपिक है, एंड अगर तुमको ये वीडियो देखने से कुछ भी हेल्प मिला ना, देन डेफिनेटली प्लीज कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ फैलाओ, एंड ऑब्वियसली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस चैप्टर या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। चलो थैंक यू सो मच फॉर